हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में हमने आपको फिजिकल चेंजेस के बारे में एक्सप्लेन किया था। इस पार्ट में हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें किसी सब्सटेंस के केमिकल में चेंज आ जाता है और आप उस सब्सटेंस को दोबारा उसके पुराने रूप में नहीं ला सकते, तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो यहां हमें दिया गया है अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा जिसको हम कहते हैं कि लोहे में जंग लग जाना। If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर आप आयरन को ओपन में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश फिल्म यानी एक ब्राउनिश लेयर जमा हो जाती है। This substance is called rust and the process is called rusting. ये जो ब्राउनिश लेयर जमा हो जाती है आयरन के ऊपर, इस ब्राउनिश लेयर को हम रस्ट कहते हैं और ये जो प्रोसेस होता है ब्राउनिश लेयर का आयरन के ऊपर जमा हो जाना, इस प्रोसेस को हम रस्टिंग या रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप लोहे को यानी आयरन को ओपन में खुले में छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो कि हवा में होती है, और उसके अलावा ये मॉइस्चर यानी पानी के साथ रिएक्ट करता है और उसकी वजह से इस आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश लेयर जमा हो जाती है जिसको हम रस्ट कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स के रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो आयरन की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, यानी कुछ ऐसा लोहा जिस पे रस्ट लग चुका है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है और जो रस्ट होने से पहले जो आयरन था उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग थी, और ऐसा आयरन जिसको रस्ट हो चुका है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन जिसमें हो चुकी है, आप उसको दोबारा उस पुराने रूप में नहीं ला सकते। आप ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आयरन की बनी हुई चीजों के लिए रस्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अगर आयरन की बनी हुई किसी भी चीज में रस्टिंग होती है यानी उस पर जंग लग जाता है तो वो चीज खराब हो जाती है। अब आगे हमें इसी के बारे में बताया गया है, आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड। यानी कि आयरन के गेट की अगर हम बात करें या आयरन के बने हुए बेंचेस की बात करें या आयरन से बनने वाली किसी भी चीज की अगर हम बात करें, अगर आयरन से बनी किसी भी चीज को ओपन में छोड़ दिया जाता है तो उस पर रस्ट लग जाता है, वो आयरन रस्टेड हो जाता है। इसके बाद हमसे कहा गया है, एट होम यू मस्ट हैव सीन शवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमोस्फेयर फॉर सम टाइम। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के शवल्स और स्पेड ये खुदाई करने वाले औजार होते हैं, ये लोहे के बने होते हैं और जब इनको खुले में छोड़ दिया जाता है तो क्योंकि ये आयरन के यानी लोहे के बने होते हैं तो ये भी रस्टेड हो जाते हैं, इन पे भी जंग लग जाता है। इसके बाद हमसे कहा गया है, इन द किचन अ वेट आयरन पैन जिसे हम तवा भी कहते हैं ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। यानी किचन में यूज होने वाले आयरन पैन यानी तवा को अगर आप वेट यानी कि गीली अवस्था में ही काफी समय के लिए छोड़ देते हैं तो उस वो भी रस्टेड हो जाता है, यानी कि उसमें भी जंग लग जाता है। और इसके बाद हमें दिया गया है, रस्ट इज नॉट आयरन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स की जो रस्ट होता है वो आयरन नहीं होता। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड, मतलब ये उस आयरन से डिफरेंट होता है जिस आयरन पे ये जमा हो गया है। और एक बार अगर एक आयरन रस्टेड हो गया यानी उस पर जंग लग गया तो आप उसको दोबारा नॉर्मल आयरन में चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको केमिकल चेंज कहा जाता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक नॉर्मल आयरन की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है और एक रस्टेड आयरन की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। अब हम कुछ और चेंजेस देखेंगे स्टूडेंट्स जिसमें नए सब्सटेंसेस बनेंगे। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। यहां पर हमें एक थिन स्ट्रिप या फिर रिबन ऑफ मैग्नीशियम लेना है, यानी कि आप मैग्नीशियम का कोई पतला सा टुकड़ा ले सकते हैं या मैग्नीशियम का रिबन भी यूज कर सकते हैं। क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर, फिर इसे सैंड पेपर की मदद से साफ करना है। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम,
फिर आप इस मैग्नीशियम रिबन को या स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम को कैंडल फ्लेम के पास लेकर आएंगे। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, और उसके बाद ये एक बहुत चमकदार व्हाइट लाइट के साथ ये जलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं तो देखिए बहुत चमकदार ये व्हाइट लाइट यहाँ पर नजर आती है। इसको डायरेक्ट अगर आप देखते हैं जलते हुए तो ये आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर हम आपको एक चीज और समझाएंगे स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर की मदद से साफ करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ये ऑक्सीजन के साथ, हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता रहता है और इसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है और जो इसको सही से जलने नहीं देती। तो इसीलिए इसको जलाने से पहले हमें उस लेयर को हटाना होता है और इसके लिए हम सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया है When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. और जब ये मैग्नीशियम रिबन पूरी तरह से जल जाता है तो उसके बाद क्या बचता है, राख बचती है। Does the ash look like the magnesium ribbon? और अब जो ये राख बची क्या ये मैग्नीशियम रिबन की तरह ही दिखती है? तो आपने ये याद रखना स्टूडेंट्स कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसके बाद ऐश यानी कि राख बचती है और ये बिल्कुल डिफरेंट होती है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम एक डिफरेंट सब्सटेंस है और उसके जलने से जो ऐश हमें मिलती है वो एक डिफरेंट सब्सटेंस है। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसीलिए मैग्नीशियम के जलने से जो राख बनती है इस चेंज को केमिकल चेंज कहा जाता है। इसके बाद यहाँ कहा गया है द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इस चेंज को हम केमिकल इक्वेशन के द्वारा समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा गया है मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2, और ये जो एरो होता है इसको आप बीकम्स भी कह सकते हैं और गिव्स भी कह सकते हैं। यानी इन दो सब्सटेंसेस के रिएक्ट करने से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। तो यहाँ पर जो हमें बताया गया था कि मैग्नीशियम के जलने से ऐश बनती है यानी कि राख बनती है, ये ऐश जो है इसी का जो केमिकल फॉर्मूला है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड वो ऐश यानी कि राख है। और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस है मैग्नीशियम से। इसीलिए मैग्नीशियम के जलने के बाद जो ऐश बनती है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इस प्रोसेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब आप इस ऐश को इकट्ठा कीजिए और उसको थोड़े पानी के साथ मिला दीजिए। स्टर द मिक्सचर एक्वियस सॉल्यूशन वेल। उसके बाद वाटर और ऐश के मिक्सचर को अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए। स्टर कर लीजिए मतलब मिला लीजिए। और यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स एक्वियस सॉल्यूशन, याद रखिएगा जब आप वाटर में कोई चीज मिलाते हैं तो वाटर और जो उसमें जो चीज मिलाई गई है इससे जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर ऐश और वाटर के मिलने से जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसे हम एक्वियस सॉल्यूशन कहेंगे। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। और अब जो ये मिक्सचर तैयार हुआ है ऐश और वाटर के मिलने से, अब हमें इस मिक्सचर को टेस्ट करना है ब्लू लिटमस पेपर के साथ और रेड लिटमस पेपर के साथ। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड। यहां पर हमसे ये पूछा गया स्टूडेंट्स कि जब हम ऐश और वाटर के मिक्सचर को, इस सॉल्यूशन को अगर हम लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते हैं तो क्या वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा या ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वियस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। और इस टेस्ट के हिसाब से आप ये कैसे बता सकते हैं कि ये जो एक्वियस सॉल्यूशन था, जो वाटर और ऐश का जो सॉल्यूशन था, ये एसिडिक है या बेसिक है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमने आपको चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स में ये समझाया था कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है और जो बेस होते हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। देखिए आगे हमें दिया गया है ऑन डिजोल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। जब हम ऐश को वाटर में मिलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस तैयार होता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और अब हमें यहाँ पर केमिकल इक्वेशन के द्वारा यह समझाया गया है कि ऐश और वाटर के आपस में मिलने से कौन सा नया सब्सटेंस तैयार होगा।
देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने मैग्नीशियम को जलाया था तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। उसमें जब हमने ऐड किया वाटर, वाटर यानी कि H2O, तो उससे हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH2। हम कह सकते हैं कि जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी ऐश को वाटर के साथ मिलाया तो हमें एक नया सब्सटेंस मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, और जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी इस बेस को अगर हम रेड लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। यहां पर आपको ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि ऐश को वाटर के साथ मिलाया तो एक नया सब्सटेंस तैयार हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए ये चेंज कैसा चेंज है? ये केमिकल चेंज है। अब आगे हमें दिया गया है, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, जैसा कि आप चैप्टर 5 में पहले ही पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्मड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। पर एक चीज तो हमने ये देखी स्टूडेंट्स कि जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो उससे हमें एक नया सब्सटेंस मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के जलने से अगर एक नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो ये एक केमिकल चेंज है। और उसके बाद हमसे कहा गया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्मड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। और जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि ऐश को वाटर के साथ मिक्स किया तो हमें एक नया सब्सटेंस मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर के मिलने से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बनना ये भी एक केमिकल चेंज है। अब हम एक्टिविटी 6.7 देखते हैं स्टूडेंट्स। डिजोल्व अबाउट अ टी स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसे हम ब्लू विट्रियोल और नीला थोथा भी कहते हैं, इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर। यहां पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि हमें एक ग्लास टम्बलर या बीकर में आधा कप पानी लेना है और उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट डालना है, जिसे हम ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा भी कहते हैं। तो पानी और कॉपर सल्फेट के मिलने से एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। और अब इस सॉल्यूशन में हम कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे। यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। अब हमें एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद यहां हमें दिया गया है, सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। यानी कि जो हमारे पास ये ब्लू कलर का अब सॉल्यूशन है, इसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी आप सैंपल के तौर पर एक टेस्ट ट्यूब में या ग्लास बॉटल में रख से रख लीजिए। इसके बाद हमसे कहा गया है, ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इन टू द रिमेनिंग सोल्यूशन। इसके बाद ये जो सोल्यूशन यहाँ बीकर में हमारे पास है स्टूडेंट्स, अब हमें इसके अंदर एक नेल यानी कि कील डालनी है या फिर एक यूज्ड शेविंग ब्लेड इसमें डालना है। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो। अब हमें लगभग आधे घंटे तक वेट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन, और उसके बाद हमें सोल्यूशन का कलर ऑब्जर्व करना है, उसे चेक करना है। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सोल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। तो यहाँ पर हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर ये भी कंपेयर करना है कि आधे घंटे के लिए इस सॉल्यूशन में जो हमने नेल या यूज्ड ब्लेड डाला था, शेविंग ब्लेड, उसके बाद इस सॉल्यूशन के कलर में जो चेंज आया है उसे हमें कंपेयर करना है उस सैंपल से जो हमने टेस्ट ट्यूब या एक ग्लास बॉटल में रखा था, और वो सैंपल हमने यहाँ से लिया था। यानी उस टेस्ट ट्यूब या ग्लास बॉटल में जो हमने सैंपल लिया था उसका कलर क्या होगा? ब्लू कलर। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम आधे घंटे के लिए इस सॉल्यूशन के अंदर नेल या शेविंग ब्लेड को रखते हैं तो ये ब्लू कलर किसमें चेंज हो गया है? ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया है। अब हम डायग्राम की मदद से आपको ये पूरी एक्टिविटी समझाएंगे स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हमने आधा कप वाटर लिया और उसे बीकर में डाला, और उसके बाद उसमें एक चम्मच हमने कॉपर सल्फेट उसके अंदर डाला, और उसके बाद हमने इसमें कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाली, और उसके बाद हमें ये सोल्यूशन मिला जो कि ब्लू कलर का सोल्यूशन था। और उसके बाद इस ब्लू कलर वाले सॉल्यूशन में से हमने थोड़ा सा सैंपल लिया और उसे एक टेस्ट ट्यूब या ग्लास बॉटल में अलग से रख लिया, और इसके बाद हमने इस सॉल्यूशन में आयरन नेल या यूज्ड शेविंग ब्लेड डाला और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया।
अब आधे घंटे के बाद हमें ये चेक करना है स्टूडेंट्स कि इस सॉल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको दो चेंजेस नजर आएंगे, एक तो ये कि पहले जो सॉल्यूशन था उसका कलर ब्लू था और अब जो कलर आपको दिख रहा है वो ग्रीन है। एक चेंज तो कलर में नजर आएगा और दूसरा चेंज आपको ये नजर आएगा कि जो शेविंग ब्लेड आपने इस सॉल्यूशन में डाला था उसके ऊपर आपको ब्राउन कलर की एक लेयर जमा नजर आएगी, यानी कि एक लेयर यहाँ पर डिपॉजिट हो चुकी होगी ब्राउन कलर की। अब हम आपको ये समझाएंगे स्टूडेंट्स कि ये कलर में चेंज कैसे आया और इस ब्लेड के ऊपर ये ब्राउनिश लेयर कैसे जमा हो गई। तो देखिए, पहले हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि ब्लू कलर का था। तो हमने इसमें आयरन नेल या शेविंग ब्लेड डाला तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो आयरन होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज हो जाता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में जिसका कलर ग्रीन होता है। आप ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में चेंज हो जाना ये एक केमिकल चेंज है। अब हम ये समझेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो नेल या शेविंग ब्लेड है इसके ऊपर ये ब्राउनिश लेयर कैसे डिपॉजिट हो गई। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सॉल्यूशन था वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसमें जब हमने आयरन नेल या शेविंग ब्लेड डाला तो उस आयरन ने कॉपर की जगह ले ली और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में चेंज हो गया यहाँ पर, और वो जो कॉपर था वो अलग हो जाता है, कॉपर सेपरेट हो जाता है और वो कॉपर यहाँ पर ब्लेड या आयरन नेल के ऊपर जमा हो जाता है, यानी कि डिपॉजिट हो जाता है। यानी यहां पर जो आप ये ब्लेड के ऊपर ब्राउनिश लेयर आपको नजर आती है ये और कुछ नहीं है बल्कि कॉपर है। तो यहां पर कॉपर भी एक नया सब्सटेंस बना, तो हम कह सकते हैं ये भी एक केमिकल चेंज है। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा स्टूडेंट्स के दो नए सब्सटेंस बने, एक तो कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बना जो कि नया सब्सटेंस है, और कॉपर सल्फेट से कॉपर सेपरेट होकर अलग हो गया, ये भी एक नया सब्सटेंस है। अब इसके बाद हमें दिया गया है स्टूडेंट्स, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अभी हमने देखा कि ब्लू कलर किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, और जो ब्लेड या नेल आपने इसमें डाल रखा था बीकर में उसको आप बाहर निकाल लेंगे। हैज इट चेंज्ड इन एनी वे, क्या इस नेल या इस ब्लेड पे आपको कोई चेंज नजर आता है। तो हमने देखा था स्टूडेंट्स ये नेल या ये ब्लेड इसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो कि कॉपर की होती है। इसके बाद हमसे कहा गया है द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। जो चेंजेस आपको नजर आएंगे यहाँ पर वो रिएक्शन की वजह से होंगे, और ये रिएक्शन किनके बीच में हुआ होगा, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच के रिएक्शन की वजह से आपको ये चेंजेस नजर आएंगे। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अ न्यू सब्सटेंस। यहाँ पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि जो कलर में चेंज आया, जो ब्लू कलर ग्रीन कलर में चेंज हो गया, वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आयरन सल्फेट बना जो कि एक नया सब्सटेंस है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, और जो आयरन नेल के ऊपर हमें ब्राउन डिपॉजिट यानी ब्राउन कलर की एक लेयर नजर आती है वो और कुछ नहीं है बल्कि कॉपर की लेयर है। अनदर न्यू सब्सटेंस, तो ये जो कॉपर यहाँ पर बना जो कि जमा हो गया ब्लेड या आयरन नेल के ऊपर, ये कॉपर भी यहाँ नया सब्सटेंस है। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, अब हमें ये बताया गया है कि हम इस रिएक्शन को कैसे लिखकर दिखा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, जब हमने उसमें ऐड किया आयरन को तो हमें क्या मिला, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, और उसके अलावा हमें क्या मिला, कॉपर मिला जो कि ब्राउनिश लेयर के रूप में डिपॉजिट हो गया आयरन नेल या शेविंग ब्लेड के ऊपर। अब हम एक्टिविटी 6.8 देखते हैं। टेक अबाउट अ टी स्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले हमें एक टेस्ट ट्यूब में एक चम्मच विनेगर लेना है, विनेगर जिसे कि हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। अब हमें इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा भी मिलाना है, बेकिंग सोडा को स्टूडेंट्स हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट। तो जब हम टेस्ट ट्यूब में एक चम्मच विनेगर लेंगे और उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो हमें हिसिंग साउंड वहां पर सुनाई देगा, इसे हिस करके एक साउंड आएगा, और उसके अलावा हमें गैस के बबल्स भी बाहर आते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हमसे कहा गया है पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। अब इस गैस को हमें कहाँ से पास कराना है, लाइम वाटर से पास कराना है, और थोड़ी देर में हम इस डायग्राम की मदद से जो कि आगे दिया गया है उसकी मदद से हम आपको ये पूरी एक्टिविटी समझाएंगे।
व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर, और जब ये गैस लाइम वाटर से पास होती है तो लाइम वाटर के साथ क्या होता है। इसके बाद हमें दिया गया है द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। टेस्ट ट्यूब में विनेगर और बेकिंग सोडा के मिलने से क्या चेंज होगा, ये अब हम देखेंगे। विनेगर, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जब हमने उसमें ऐड किया बेकिंग सोडा को, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एक तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और कुछ दूसरे सब्सटेंस भी बनेंगे। और उसके बाद हमसे कहा गया है द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। यानी कि यहां पर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के आपस में मिलने से जो रिएक्शन होगा वो अब हमें यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया स्टूडेंट्स कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन कैसे होता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जब हमने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल टू। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3 प्लस वाटर भी बनता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो संगमरमर होता है, जिसके फर्श आप देखते हैं घरों में बने होते हैं, ये संगमरमर और कुछ नहीं है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो इस रिएक्शन में हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर आपस में मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। अब हम इस डायग्राम की मदद से आपको ये पूरी एक्टिविटी समझाएंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने इस टेस्ट ट्यूब में विनेगर लिया और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला। अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो यहां से होती हुई यहां पर आएगी, और इस टेस्ट ट्यूब में यहां पर क्या है, लाइम वाटर है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के साथ मिलेगी और रिएक्ट करेगी तो याद रखिएगा कि ये लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाएगा, यानी ये लगभग दूध जैसे रंग का हो जाएगा। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, दूध जैसा हो जाता है। तो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए स्टूडेंट्स कि लाइम वाटर के साथ एक गैस ने रिएक्ट किया जिससे कि लाइम वाटर का कलर मिल्की यानी व्हाइट हो गया, तो वो गैस कौन सी होगी, तो आप कहेंगे कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हमने आपको बताया वही चीज यहाँ पर दी गई है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया जाता है लाइम वाटर से तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, विच मेक्स द लाइम वाटर मिल्की। और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो इसी वजह से लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इन टू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइम वाटर के मिल्की हो जाने से हम ये टेस्ट कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि जो गैस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide. यहां पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि 10th चैप्टर में हम ऐसी ही एक्टिविटी के द्वारा ये शो करेंगे कि जो सांस हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके बाद हमें दिया गया स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज 6.6 टू 6.8 यू सो दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज वर फॉर्म्ड। यहां पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि एक्टिविटीज 6.6, 6.7 और 6.8 में जो भी चेंज हुए उनमें न्यू सब्सटेंस वहां पर बना। इन एक्टिविटीज 6.6 द एश वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न्ड इन एयर। इसका मतलब यह है कि एक्टिविटी 6.6 में जब मैग्नीशियम को जलाया गया तो वहां पर एक नया सब्सटेंस बना था जो क्या था, एश यानी के राख। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। यानी कि एक्टिविटी 6.7 में जब कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन हुआ तो वहां पर कौन से दो नए सब्सटेंस बने, आयरन सल्फेट बना था और कॉपर बना था। यही हमें यहां पर दिया गया है, बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस। और ये दोनों ही नए सब्सटेंस यहां पर बने थे, आयरन सल्फेट भी नया सब्सटेंस था और कॉपर भी नया सब्सटेंस था। कॉपर वॉज डिपोजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। और जो कॉपर था वो शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन के ऊपर डिपोजिट हो गया था, यानी जमा हो गया था। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टूगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड।
86.8 में हमने देखा था स्टूडेंट्स, जब हमने विनेगर और बेकिंग सोडा को आपस में मिलाया था तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुई थी विच टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की, और जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया था तो लाइम वाटर मिल्की हो गया था, यानी कि उसका कलर दूध के जैसा हो गया था। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्मड इन दिस रिएक्शन? ने आपको ये भी समझाया था स्टूडेंट्स कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर आपस में मिले तो कौन सा न्यू सब्सटेंस बना? कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीनों एक्टिविटीज जो यहाँ पर हमने डिस्कस की है स्टूडेंट्स, इन सभी में जो चेंजेस हुए वो सभी केमिकल चेंजेस थे, क्योंकि उन सभी में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए, यानी के न्यू सब्सटेंस बने थे। इसके बाद हमें कहा गया स्टूडेंट्स, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। यानी कोई भी ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस बनते हैं तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। इसके बाद हमें दिया गया स्टूडेंट्स, केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइव्स। केमिकल चेंजेस हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी न्यू सब्सटेंस बनते हैं वो सभी केमिकल चेंजेस की वजह से ही बनते हैं। यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एटसेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। यानी के हमारे शरीर में खाने का डाइजेस्ट होना, फ्रूट्स का पकना या ग्रेप्स का एल्कोहल में चेंज होना, ये सभी केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। इसके बाद हमें दिया गया स्टूडेंट्स, अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चैन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, वो भी केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही बनती हैं। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। तो बहुत से यूजफुल मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक और डिटर्जेंट, ये भी केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। सच तो ये है कि हर नया मटेरियल केमिकल चेंजेस को स्टडी करके ही बनाया जाता है। इसके बाद हमें दिया गया स्टूडेंट्स, वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। हम ये देख चुके हैं कि केमिकल चेंज में एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस बनते हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकंपनी अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में नए प्रोडक्ट या नए सब्सटेंस बनने के अलावा और क्या होता है वो अब हम देखेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, लाइट प्रोड्यूस भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, या फिर जो रेडिएशन होता है जैसे कि अल्ट्रावायलेट, ये प्रोड्यूस भी हो सकता है और एब्जॉर्ब भी हो सकता है। इसके अलावा साउंड में भी प्रोड्यूस, यानी केमिकल रिएक्शन में साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है। इसके बाद हमें कहा गया है, अ चेंज इन स्मेल मे टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल मे बी गिवन ऑफ। यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान स्मेल में चेंज भी आ सकता है या फिर एक नई स्मेल भी प्रोड्यूस हो सकती है। हमें दिया गया है स्टूडेंट्स, अ कलर चेंज मे टेक प्लेस, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर में भी चेंज आ सकता है। और उसके बाद हमसे कहा गया है, अ गैस मे बी फॉर्म्ड, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि केमिकल चेंजेस के दौरान न्यू सब्सटेंस तो बनते ही हैं, लेकिन न्यू सब्सटेंसेस बनने के अलावा ये सब चेंजेस जो यहाँ हमें बताए गए हैं, ये भी केमिकल चेंजेस में या केमिकल रिएक्शन में हमें नजर आ सकते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया है, लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यू सो दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। हम ये देख चुके हैं स्टूडेंट्स कि मैग्नीशियम रिबन का जलना एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। यानी कि कोयले का जलना, लकड़ी का जलना या पत्तियों का जलना, ये भी केमिकल चेंज होता है। इसके बाद हमें दिया गया है, इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। यानी किसी भी चीज का जलना केमिकल चेंज ही होता है।
बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। और हम जानते हैं जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। ये इस चीज को दिखाता है कि किसी भी चीज का जलना एक केमिकल चेंज होता है। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज, यानी पटाखों का जलना भी एक केमिकल चेंज होता है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्रेजेंट गैसेस दैट पोल्यूट द एटमोसफेयर। हम जानते हैं स्टूडेंट्स के पटाखों के जलने से हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है और अनप्रेजेंट गैसेस यानी गंदी गैसेस भी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे एटमोसफेयर को पोल्यूट करती है, गंदा करती है। दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स। इसीलिए आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आपको पटाखे नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। इसके बाद यहाँ लिखा गया है, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल। जब खाना खराब हो जाता है तो उससे गंदी स्मेल आती है। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज, क्या ये भी एक केमिकल चेंज है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी खाना खराब होता है और उससे गंदी स्मेल आती है तो ये भी केमिकल चेंज ही होता है। इसके बाद यहाँ लिखा गया स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमीजिएटली। आपने कई बार ये देखा होगा स्टूडेंट्स कि अगर आप एक एप्पल को काट के रखते हैं और उसे कुछ देर तक नहीं खाते हैं तो उसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर में चेंज होना शुरू हो जाता है। इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि अगर आपने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा है तो एप्पल के एक टुकड़े को काट के रखिए और कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो आपको यही चीज नजर आएगी कि थोड़ी देर के बाद एप्पल का जो कलर होगा वो ब्राउन कलर में चेंज होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हमसे कहा गया है, रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। जैसे हमने एप्पल को काट के कुछ देर के लिए छोड़ा, ऐसे ही आप पोटैटो और ब्रिंजल को भी अगर काट के कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो उसके कलर में भी आपको चेंज नजर आता है। और इसके बाद यहाँ लिखा गया है, द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। और यहाँ पर जो ये कलर में चेंज आ रहे हैं ये इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नया सब्सटेंस बन रहा है। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी कोई न्यू सब्सटेंस बनता है तो ये केमिकल चेंज होता है। इसके बाद यहाँ हमसे पूछा गया है, आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस, क्या ये चेंजेस केमिकल चेंजेस नहीं है? तो अब हम इजीली कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंजेस हैं, क्योंकि जब भी कोई खाने पीने की चीज खराब होती है तो ये केमिकल चेंज होता है। इसके बाद हमसे कहा गया है, इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद अ बेस, इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज? चैप्टर 5 में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि जब हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखिएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक केमिकल चेंज होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।